हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हम एंटीना एंड वेव प्रोपोगेशन डिस्कस कर रहे हैं और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है डिफरेंस बिटवीन पैराबॉलिक रिफ्लेक्टर एंड द कॉर्नर रिफ्लेक्टर। अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जाइए और लास्ट वीडियो देख आइए, क्योंकि अभी तक अगर आपको यही नहीं पता कि रिफ्लेक्टर एंटीना होता क्या है, पैराबॉलिक रिफ्लेक्टर क्या है, कॉर्नर रिफ्लेक्टर क्या है, तो ये समझना कि डिफरेंस क्या है बहुत ही डिफिकल्ट होगा। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखी लास्ट वीडियो, जाइए देख आइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगेन आई एम सेइंग, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पैराबॉलिक एंड द कॉर्नर रिफ्लेक्टर। बेसिक डिफरेंस स्टार्ट करेंगे, बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा पैराबॉलिक रिफ्लेक्टर क्या होता है, कॉर्नर रिफ्लेक्टर क्या होता है। ये स्ट्रक्चर है मेरा पैराबॉलिक रिफ्लेक्टर का, पैराबोला जैसा दिखता है। आप सब लोगों ने डिश एंटीना देखा होगा जो हमारे सबके घरों में है, तो वहां पर एक पैराबॉलिक सा स्ट्रक्चर लगा होता है एंटीना के पीछे। यहाँ पर एक एंटीना होता है जो एक्टिव एलिमेंट है। ये मेरा एंटीना है, जो ब्लू पार्ट दिख रहा है ये एंटीना है, ये कनेक्टेड रहेगा फीड लाइन से, और ये जो स्ट्रक्चर है ये पैराबॉलिक स्ट्रक्चर है जो रिफ्लेक्टर एंटीना है। ठीक है, अब आ जाते हैं कॉर्नर रिफ्लेक्टर के ऊपर। कॉर्नर रिफ्लेक्टर में क्या होएगा, जो टू थिन शीट्स है, ये एक थिन शीट है, ये एक थिन शीट है, दोनों को 90 डिग्री एंगल पर कनेक्ट कर दिया तो ये कॉर्नर रिफ्लेक्टर बन गया। अब आ जाते हैं पैराबॉलिक रिफ्लेक्टर और कॉर्नर रिफ्लेक्टर में डिफरेंस क्या है। यहाँ पर ये एक्टिव एलिमेंट है, यहाँ पर भी हम इसके सामने एक एक्टिव एलिमेंट रख देते हैं, ये एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, तो अब डिफरेंस क्या है स्ट्रक्चर में, सबसे पहले देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। इसका स्ट्रक्चर डिजाइनिंग में बहुत ही डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि हमें एक पैराबॉलिक 3D स्ट्रक्चर चाहिए। ठीक है, तो पैराबोला को 3D में बनाने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, डिजाइनिंग थोड़ी डिफिकल्ट रहेगी, तो इट इज हैविंग अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, डिफिकल्ट है डिजाइन करने के लिए। इसके बाद आ जाते हैं कॉर्नर रिफ्लेक्टर के ऊपर। कॉर्नर रिफ्लेक्टर में क्या है, दो शीट्स को लिया 90 डिग्री एंगल पे जोड़ दिया, तो इट इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, इट इज अ सिंपलर स्ट्रक्चर। सिंपल स्ट्रक्चर है, इट इज वेरी इजी टू डिजाइन द कॉर्नर रिफ्लेक्टर। अब आ जाते हैं सेकेंड डिफरेंस के ऊपर। सेकेंड डिफरेंस क्या है, ये जो मेरा पैराबॉलिक स्ट्रक्चर रहेगा एक बहुत ही बल्की सा स्ट्रक्चर है। आपने डिश एंटीना देखा, जैसे कि मैंने अभी पहले भी एग्जांपल दिया था, डिश एंटीना बहुत ही बल्की सा स्ट्रक्चर होता है। जब भी मेरे पास साइज की कंस्ट्रेंट नहीं है तब मैं पैराबॉलिक एंटीना को यूज करूंगी। मैंने आपको क्या बताया था, जो रिफ्लेक्टर एंटीना है हाई फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है, मेगा हर्ट्स पे वर्क करता है, तो मेगा हर्ट्स पे वर्क करने के लिए वेवलेंथ क्या होगी, बहुत ही छोटी हो जाएगी। अब जो कॉर्नर रिफ्लेक्टर है इसका साइज क्या होता है, इट इज हैविंग साइज ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, 1 लैम्डा या 2 लैम्डा का साइज होएगा इसका, तो मैं क्या कह सकती हूँ, इट इज हैविंग अ स्मॉलर साइज। ठीक है, किस साइज का ऑर्डर होगा इसका, 1 लैम्डा और 2 लैम्डा। ठीक है, तो इट इज यूज्ड व्हेन देयर इज साइज कंस्ट्रेंट। ठीक है, ये कब यूज होता है, जब भी हमारे पास साइज कंस्ट्रेंट है। अब आ जाते हैं थर्ड डिफरेंस के ऊपर। जब भी हम पैराबॉलिक एंटीना यूज कर रहे हैं तो हमें एक्टिव एलिमेंट को कहाँ रखना है, ये मेरा एक्टिव एलिमेंट है, ये कहाँ पर प्लेस रहेगा, पर्टिकुलर पॉइंट पे प्लेस रहेगा, जो कि है फोकस। पैराबोला का एक ही फोकस रहेगा, तो एक ही पॉइंट रहेगा जहाँ पर हम एक्टिव एलिमेंट को प्लेस कर रहे हैं। बट इन द केस ऑफ स्क्वायर और कॉर्नर रिफ्लेक्टर, तो इसे स्क्वायर रिफ्लेक्टर भी बोलते हैं, तो यहाँ पर कोई हमारे पास एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है, हम अपने एंटीना को कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है ऑफ यूजिंग द पैराबॉलिक, क्योंकि उसके सामने सिर्फ एक ही पॉइंट रहेगा जहाँ पर मैं एक रेडिएशंस को प्रोड्यूस करवा सकती हूँ एंटीना को प्लेस कर। तो यहाँ पर मेरे पास सिर्फ एक फोकस पर ही एंटीना प्लेस रहेगा।
यहाँ पर कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है जहां पर मैं एक्टिव एलिमेंट को रखूंगी। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस पे आ जाते हैं। ये जो हमारा पैराबॉलिक रिफ्लेक्टर है, या तो ये ट्रांसमिट करेगा या फिर ये रिसीव करेगा। अगर ये ट्रांसमिट कर रहा है कोई वेव को, वो जो ट्रांसमिट होएंगी वेव वो बहुत डायरेक्शनल नेचर की होएंगी। अगर ये किसी वेव को रिसीव कर रहा है, वो वेव्स बहुत ही डायरेक्शनल नेचर की होनी चाहिए, तभी ये उसे रिसीव करेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो जब भी हम कॉर्नर रिफ्लेक्टर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर इट कैन वर्क और इट कैन नॉट वर्क ऑन द डायरेक्शनल रेडिएशंस। ठीक है, सो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ट्रांसमिट और रिसीव ओनली डायरेक्शनल रेडिएशन। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट कॉर्नर रिफ्लेक्टर में नहीं है। तो ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो थी, यहाँ पर हमने डिस्कस करा कि हाउ पैराबॉलिक रिफ्लेक्टर इज़ डिफरेंट फ्रॉम द कॉर्नर रिफ्लेक्टर। आपको अगर किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट है तो जाइए कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख दीजिए, एंड आई विल बी ट्राइंग टू रिजॉल्व योर डाउट एज सून एज पॉसिबल। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।